हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सअप की जो रिमाइंडर रील्स है, एडिटिंग है, जो आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे रिमाइंडर व्हाट्सअप रील्स है, उसे किस तरीके से बनाते हैं। आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से उसे बनाया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए चलते हैं पिकआर्ट में। तो जैसे कि मैं पिकआर्ट में पहले से हूँ, आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, एडिट अ फोटो पर क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको स्टिकर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है लॉक स्क्रीन आईफोन। अगर आपकी ब्लैक फ़ोटो है तो उस पर वाइट कलर का लें, अगर वाइट फ़ोटो है तो उस पर ब्लैक कलर का लें। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ले लिया है, तो आपको कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, जिससे कि एकदम आपका ये स्क्रीनशॉट लगे जैसे कि आपने अपने मोबाइल पे से ली हो। इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, जैसे कि पूरा लॉक स्क्रीन लगना चाहिए ये देखने में। तो आप भी कुछ इसी तरीके से करना। आप यहाँ से नीचे से इसे थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं, और इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। तो सॉरी, ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया कुछ, तो मैं थोड़ा इसे नीचे कर लेता हूँ और इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है गाइस, तो ये एकदम परफेक्ट है अब। और आपको कुछ नहीं करना, बस देखो ध्यान से क्या करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। एक सेकंड, ये थोड़ा सा इसमें बग है जो मैंने अभी इंस्टॉल किया ये ऐप। तो आपको यहाँ पे ऐड फ़ोटो का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको गूगल क्रोम से डाउनलोड कर लेना है, ब्लैक कलर का डार्क ब्लैक एक फ़ोटो डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया इसे। और आपको यहाँ पर इस पर थोड़ा इसकी लेंथ बढ़ा लेनी है, जैसे आपको करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम आपको इसी तरीके से करना है। इसको इतना बढ़ा लेना है अपने हिसाब से, यहाँ पे जितने पे आपको लिखना है। ठीक है गाइस, तो मैंने यहाँ पे बढ़ा लिया इसे। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा साइड आना है और आपको यहाँ पे कटआउट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे शेप का ऑप्शन आएगा सेकंड नंबर पे, तो आप शेप पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का रेड कलर का आ जाएगा, फिर इसको एडजस्ट कर लेना। तो गाइस एक बात याद रखना, जो रेड कलर का है इसे ब्लैक के अंदर ही रखना है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे शेप पे क्लिक करना और इस पे क्लिक कर देना है जिस पे मैंने किया है, तो ये कुछ अच्छा लगेगा आप देखने में। इसमें जो साइड के कॉर्नर्स है वो हट जाएंगे, ठीक है गाइस। तो मैंने कर दिया इसे सेम, और इसका जो ये है आप देख सकते हैं 80 कर देना है आपको इसे। तो सॉरी गाइस, बैटरी लो हो गई है। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके कर लेना है। अब यहाँ पे टेक्स्ट पे लिखना है आपको। नहीं गाइस, टेक्स्ट बाद में लिखेंगे, पहले हम एक और स्टिकर ऐड कर देते हैं व्हाट्सअप का, ठीक है गाइस। इसको आप यहाँ पे लिखना है आपको व्हाट्सअप लोगो, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे व्हाट्सअप लोगो लिखेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो पहला वाला ले लेते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप इसे थोड़ा सा जूम कर लें और कुछ अच्छे तरीके से इसे एडजस्ट कर लें। आप अपनी तरीके से भी मतलब कुछ और भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ज़रूरी नहीं कि इसमें आप व्हाट्सअप ही लगाएं, आप कुछ और भी लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो लगाओ। लेकिन मैं व्हाट्सअप के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको व्हाट्सअप ही कहूँगा। और फिर आपको यहाँ पर लिख देना है रिमाइंडर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिमाइंडर लिख देता हूँ, और आपको याद रखना है फर्स्ट जो उसका पहला अक्षर होगा उसे कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। तो इसे मैं आर को बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पे इसे जूम करके, और इसमें आपको सोचेंगे आप कौन सा इसमें जो अल्फ़ाबेट है इसे कौन सा यूज़ करें, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला यूज़ कर लेना, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें, आप लोग देख सकते हैं नीचे नाम लिखा हुआ है उसका, ठीक है। और इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसे छोटा कर लेते हैं। जूम करके मैंने इसे छोटा कर लिया है, और इसमें एक मिनट मैं फिर से देख लेता हूँ, क्या पता इससे भी अच्छा कोई और मिल जाए। तो गाइस मेरे हिसाब से वही अच्छा था, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूँ एक बार ये वाला, ठीक है। इसको टेढ़ा मेढ़ा करने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेते हैं इसके नीचे, कुछ इस तरीके से कर लें। आपको थोड़ा छोटा करना है तो थोड़ा छोटा कर लें, और जैसे आपको अच्छा लगे वैसा एडजस्ट कर लें। और आपको याद रखें इसमें कुछ अच्छा सा लिखना है। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही कॉपी कर रखा है, तो मैं ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा ओनली, उस पर क्लिक करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। फिर आपको इसे थोड़ा सा नीचे कर लाना है यहाँ पे, और इसमें भी गाइस मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा टेक्स्ट आप इसमें लगाएंगे अल्फ़ाबेट तो कैसा लगेगा, ठीक है, जिसे हम फॉन्ट कहते हैं, ठीक है। तो मैंने ये देख लीजिए यहाँ पर लगा दिया, एडजस्ट भी कर दिया है। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मैं थोड़ा सा व्हाट्सअप को ऊपर कर देता हूँ, सॉरी बैटरी लो हो गई फिर से। तो यहाँ पर इसको भी थोड़ा ऊपर कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेगा। तो अब इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना, मैं आपको बस सिखा रहा हूँ। और आपको इससे अच्छा आप बना सकते हैं, आप थोड़ा सा और दिमाग लगा के इससे भी अच्छा बना सकते हैं, ओनली मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके से बनता है, ठीक है गाइस। तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होने लग गया, तो इसको पहले हम इस इमोजी को ठीक कर लेते हैं।
तो गैस आप सोच रहे होंगे मैंने इमोजी के लिए नहीं बताया, आप कहाँ से आएगा, ठीक है। तो सेम टू सेम आप स्टिकर में जाएं, उसमें व्हाट्सएप इमोजी लिखें, अगर इमोजी नहीं आता तो आप उसमें इमोजी पे आप जाके ओनली इमोजी भी लिख देंगे तो आ जाएगा, ठीक है गैस। और इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें आप, तो मैं इसे आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ कैसे अच्छा लगता है, ठीक है। तो पूरे उस पर रखेंगे हम इसे, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं और फिर इसे पीछे ले आते हैं, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा छोटा सा करके और पीछे ले आया हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अब देखने में। तो अब इसे थोड़ा और अच्छे से सजा देते हैं, जैसे कि हाँ अब ये इसमें अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कौन सा लगाना है आपको, ये भी अच्छा नहीं है, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन सा बेस्ट हो। इसमें आपको शॉर्ट स्टैक का काफ़ी अच्छा लगेगा, आप शॉर्ट वाला कर लें, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी और साफ साफ दिख भी रहा है, ठीक है गाइस। तो आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से और यहाँ पे सही के टिक पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस इसे हमें सेव कर लेना है, ये पूरा डन हो गया है, ठीक है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जूम करके मैंने दिखा दिया आपको। आपको अब कुछ नहीं करना है, सिंपली इसे बैक करना है, ठीक है। इस छोटे छोटे एड्स आते हैं उससे आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ से आपको सेव कर लेना है ऊपर से इसे। तो ये आपका सेव हो चुका है, ठीक है गाइस। अब आपको चलाना है वीटा ऐप में, आप इंस्टॉल कर लेना, 100 MB के लगभग का ऐप है ये। और गाइस कुछ करने से पहले आपको ऊपर में सेटिंग पे क्लिक कर देना है और वाटर मार्क को बंद कर देना है, नहीं तो वीडियो के अंदर में आपको वाटर मार्क आएगा, ठीक है। आपको इसे वीटा वाटर मार्क पर क्लिक करके इसे डिसेबल कर देना है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको वाटर मार्क आएगा। तो आप यहाँ पर न्यू पे क्लिक करके एक न्यू ऐड कर लेंगे और इस जो फ़ोटो को है आप इसे 15 से 19 सेकेंड तक बढ़ा लेंगे, ठीक है। इसके नीचे में इफ़ेक्ट है, इस पर क्लिक करना है, फिर से एक बार इफ़ेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे आ जाएंगे यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले रेट्रो पे क्लिक करना है, जैसे मैंने क्लिक कर दिया, और आपको ग्लिच 1, 2, 3 जो भी आपको बेस्ट लगे आप उस पर क्लिक कर लेना। तो मैं आपको फर्स्ट और सेकंड करके दिखाऊंगा, पहले मैं आपको सेकंड करके दिखा देता हूँ। सेकंड कुछ ज़्यादा होता है और फर्स्ट वाला कम होता है, और थर्ड वाला आप जैसा भी हो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है वो, तो आप देख लें, ठीक है। तो मैंने सेकंड वाला अप्लाई कर दिया, तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके का है ग्लिच। आपको जैसा अच्छा लगे फर्स्ट सेकंड थर्ड आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और इसको आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसके जैसे ऊपर आपने फ़ोटो को बढ़ाया था उस सेम टू सेम उसी तरीके से नीचे भी आपको ग्लिच को भी उसके बराबर करके बढ़ा देना है, ठीक है गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके है। और गाइस मैं इसमें अभी आपको सॉन्ग ऐड करके नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, तो आप वहाँ पर इंस्टा में जब अपलोड करेंगे इसे तो वहाँ पर आप इसमें सॉन्ग लगा सकते हैं। तो गाइस इसे अब हमें सेव कर लेना है, एक्सपोर्ट कर लेना है, ये पूरी तरीके से रेडी हो चुका है हमारा। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है गाइस, बस आप लोगों से ये कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है गाइस। अब इसे यहाँ से हम बैक कर देते हैं, एक बार और बैक कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको वो वाला दिखा दूँ पहले, एक बार ग्लिच 1 भी दिखा देता हूँ, ग्लिच 1 कैसा है। तो पहले एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, पहले ग्लिच 1 दिखा दूँ मैं आपको। रेट्रो में आ जाते हैं और आपको यहाँ पर ग्लिच 1 दिखा देते हैं, ठीक है। तो मैं आ चुका हूँ और ग्लिच 1 ये रहा, तो इसे डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। और आप लोग देख सकते हैं हल्का ग्लिच है, ज़्यादा ग्लिच नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। अब यहाँ से इसे बैक कर देते हैं हम, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ग्लिच 1 मैंने वापस से लगा दिया, ग्लिच 2 कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है गाइस। तो ग्लिच 1 ही ठीक है। तो आपको फिर से बता देता हूँ, ग्लिच 2 को भी ऐसा ना हो कि आप 2 को हटा के 1 लगाए और उसको आप नीचे से बढ़ाओ ना, तो आप उसको नीचे से बढ़ा लेना उसके बराबर, वीडियो के बराबर, ठीक है। जैसे कि आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, तब कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो पहले ग्लिच खत्म हो जाएगा और फोटो रुक जाएगी, दोनों को एक जैसा बराबर रखना है, ठीक है। तो अब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, मैंने दोनों चीज़ें आपको करके दिखा दी। अब मैं इसे आपको एक्सपोर्ट करके दिखाऊँगा, तो आपको यहाँ से इसे बैक कर देना है, और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट का बटन दिख रहा है। अब यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे आपको किस में करना है, तो आपको 180 में करना है, 720 में, जिसमें भी करना है उस पर क्लिक करके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी एक्सपोर्टिंग चालू हो जाएगी कुछ ही देर में, जैसे कि कंप्लीट हो चुका है। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपका आउटपुट आया है,